बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हसन नतीफ फ्रॉम लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस। टुडे आवर सब्जेक्ट इज डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। अच्छा, आज भी हमारा टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। इस डेटा ट्रांसमिशन मोड्स में हम जो चीज़ों को कवर करेंगे, जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसमें इसके टाइप्स हैं। हमारे पास थ्री टाइप्स हैं डेटा ट्रांसमिशन मोड्स की, जिसमें पहले हमारे पास सिंप्लेक्स मोड, दूसरी हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड, और तीसरी हमारे पास है फुल डुप्लेक्स मोड। इन तीनों जो मोड्स हैं, जो टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आए देखते हैं व्हाट इज डेटा ट्रांसमिशन मोड। डेटा ट्रांसमिशन मोड किससे बोलते हैं? द टर्म ट्रांसमिशन मोड डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन द टू लिंक डिवाइसेस। ठीक है, हमारे पास जो बेसिकली ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन मोड कहते हैं किससे है, बेसिकली किसको डिफाइन करती है, डिफाइन करती है डेटा फ्लो को। ये डिफाइन करते हैं दो डिवाइसेस के बीच में जब डेटा फ्लो होता है। ठीक है, उस डेटा फ्लो की जो डायरेक्शन है, उस दोनों डिवाइसेस के बीच में जो डेटा फ्लो जिस डायरेक्शन से ट्रेवल करता है, मूव करता है, इसको हम बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन मोड। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द मैनर और वे इन विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन मोड। मतलब वो तरीका या वो पाथ या वो रास्ता जिसके जरिए हमारे पास डेटा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इस तरीके का को या इस पैटर्न को या इस बात को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन मोड। अब देखते हैं कि हम बेसिकली जो हमारा मेन पर्पज क्या है कि हम चंद डेटा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर, तो ये डेटा ट्रांसमिट होने के पैटर्न, इसके तरीकेकार कौन कौन से, इसमें हमारे पास थ्री मेथड्स हैं इसके। हम कहते हैं दे आर थ्री वेज ऑफ ट्रांसमिटेड डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, दिस आर सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में डेटा कैसे ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, हम इसकी फ्लो ऑफ डायरेक्शन को देखते हैं कि सिंप्लेक्स मोड में डेटा का जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, ट्रेवल करता है। सबसे पहले देखते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन सिंप्लेक्स मोड। कहते हैं सिंप्लेक्स मोड द डेटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। सिंप्लेक्स मोड में हमारे पास डेटा जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह। Here a device can only send data and other device can only receive data. पर इन डिवाइस की बात करें कि जो कि डेटा को सेंड करता है और दूसरी तरफ जो डिवाइस जो कि डेटा को रिसीव करते हैं। इसमें यह कहते हैं कि इसमें एक तरफ, क्योंकि सिंप्लेक्स मोड में ये कहा गया है कि इसमें डेटा एक सिर्फ वन वे फ्लो करता है, सिर्फ एक तरफ से वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसलिए कि इस वजह से जिसमें एक तरफ जो एक डिवाइस है वो ये डेटा को सेंड करेगी या रिसीव करेगी। अगर लेट सपोज वो अगर सेंडर है तो वो सिर्फ डेटा को सेंड कर सकती है, रिसीव नहीं कर सकती। अगर दूसरे एंड पर अगर वो डिवाइस एज अ रिसीवर काम कर रही है तो सिर्फ डेटा को रिसीव कर सकती है, सेंड नहीं कर सकती। इट मीन्स दैट इट इज यूनिडायरेक्शन। का मतलब ये कि जो डिवाइसेस वन में डेटा को सेंड करती है या सेंड करेगी या रिसीव करेगी, तो उसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास यूनिडायरेक्शन डेटा, इसमें हमारे पास जो डेटा की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ये हमारे पास क्या है, हमारे पास यूनिट डायरेक्शन, मतलब डेटा सब एक तरफ से सेंड होता है, या वो सेंड होगा या रिसीव होगा, इसलिए हम इसको यूनिट डायरेक्शन मोड भी बोलते हैं। टुडे दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज नॉट सो पॉपुलर। आज का ये जो ट्रांसमिशन है हमारे पास, ये दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा पॉपुलर इतनी पॉपुलर नहीं है। अगर इसका हम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, इसकी पिक्चर देखें, तो देखें ये हमारे पास बताया, लेट्स सपोज ये हमारे पास सिस्टम मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जो हमारे पास मॉनिटर है, इसमें डेटा सब एक तरफ से ट्रेवल करता है वन वे डायरेक्शन। मतलब अगर आप इस प्रैक्टिकल भी देखें, आप देखें लेट्स वो आप कहते हैं कि ये सीपीयू, जैसे एग्जांपल आप सीपीयू आर सिस्टम यूनिट, तो अगर सिस्टम यूनिट से जो डेटा सेंड होता है, ठीक है, एज आउटपुट ऑफ ए मॉनिटर हमें वो डिस्प्ले नजर आता है, तो मतलब ये वन डायरेक्शन है। ऐसे नहीं हम मॉनिटर के जरिए एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू को नहीं देते, बल्कि हम सीपीयू के जरिए इंस्ट्रक्शन देते हैं मॉनिटर को, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो हमें आउटपुट एज अ डिस्प्ले नजर आती है। तो ये एग्जाम्पल हमारी किसकी, ये एग्जाम्पल हमारे पास है सिंप्लेक्स मोड की। ये बता दें कि हाउ एवर दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बिजनेस फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स इन विच सेल्स डेटा इज इंटर विदाउट अ करस्पॉन्डेंट रिप्लाई। ये बता रहे हैं कि इसकी एग्जांपल ये भी, जैसे आप डिफरेंट सेल्स ऑफ टर्मिनल्स में जाते हैं, आप पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स में जाते हैं, जैसे लेट सपोज आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट में, किसी गारमेंट की शॉप में जाते हैं, किसी ग्रॉसरी की शॉप में जाते हैं, ये किसी भी शॉप में जाते हैं, तो जहाँ पर आपको जाके कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जब परचेज करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को काउंटर बिल मिल जाते हैं, तो काउंटर बिल में आप जहाँ पर बिल पेमेंट करते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, आपके प्रोडक्ट को स्कैन करके सिस्टम में उसकी इंफॉर्मेशन ड्रॉप की जाती है, फिर वहाँ से उसका बिल निकलता है जो कि आप उसको कैश देते हैं।
तो इसे में ये बताते हैं बता रहे हैं कि उसमें जो सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जाती है, एक स्कैनर के जरिए उसमें पुट की जाती है, उसमें इंटर की जाती है, उसमें चली जाती है इन्फॉर्मेशन। तो मतलब ये भी सिंटेक्स मोड है, ऐसे नहीं होता कि हम मास को इन्फॉर्मेशन है, बल्कि हम प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन स्कैनर के थ्रू हम सिस्टम को इंटर करते हैं, वहाँ पर इंटर करते हैं, फिर वहाँ से में इसका बिल रिसीव होता है, उसकी प्राइस क्या है, उसका नेम क्या है, अब ये कितनी क्वांटिटी है, सब इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास अच्छी एग्जाम्पल है सिम्प्लेक्स मोड की। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल्स बता रहे हैं सिम्प्लेक्स ट्रांसमिशन की, वो हमारे पास रेडियो और टीवी ट्रांसमिशन। अब लेट्स सपोज आप कोई भी रेडियो ट्रांसमिशन सुनते हैं या टीवी ट्रांसमिशन देखते हैं, अगर लेट्स सपोज आप टीवी देखते हैं तो टीवी में देखें टीवी और यूजर के दरमियान भी सिम्प्लेक्स ट्रांसमिशन हो रही है। वो कैसे, मतलब कि टीवी से, टीवी में आप जितनी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं या इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, आप कोई ब्रॉडकास्ट चैनल देख रहे हैं या कोई टीवी का कोई ड्रामा सीरियल देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, या कोई एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन आप कोई ऐसा चैनल देख रहे हैं, ठीक है, इंटरटेनमेंट चैनल देखें, तो वो आप जितने भी इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं ना, बट आप टीवी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली आप सिर्फ रिसीव कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास सिंपलेक्स मतलब वन वे डेटा जो है वो फ्लो कर रहा है, वन वे डायरेक्शन में जो डेटा फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास सिंपलेक्स मोड है। इसी तरह अगर रेडियो आप सुनते हैं तो रेडियो आप सुनते हैं वो भी हमारे पास सिंपलेक्स मोड में आती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वन वे डेटा ट्रैवल कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड हमारे पास ट्रैवल कर रहा है, तो हम देख रहे हैं वो हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हमारे पास सिंपलेक्स मोड की। आगे जाते हैं हमारे पास, इसके अलावा और एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। अगर कंप्यूटर सिस्टम की हम बात करते हैं, कहते हैं इन कंप्यूटर सिस्टम द कीबोर्ड मॉनिटर एंड प्रिंटर आर एग्जाम्पल ऑफ सिम्प्लेक्स डिवाइसेस। अब कीबोर्ड से देखें, कीबोर्ड से इन्फॉर्मेशन सिर्फ सेंड करते हैं, रिसीव नहीं कर सकते, ये भी सिम्प्लेक्स मोड है। मॉनिटर की एग्जाम्पल देख लें, प्रिंटर की एग्जाम्पल देख लें, सारी एग्जाम्पल हमारे पास सिम्प्लेक्स की मोड है। जैसे पता जाए कि द कीबोर्ड कैन ओनली बी यूज टू इंटर डेटा इन टू कंप्यूटर, वाइल मॉनिटर एंड प्रिंटर कैन ओनली सेट डिस्प्ले और प्रिंट आउटपुट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स मोड। अब हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है हमारे पास, हाफ डुप्लेक्स मोड में कहते हैं कि हेयर द डेटा कैन फ्लो इन टू डायरेक्शंस। ऐसा हमारे पास ऐसा मोड कि जिसमें डेटा हमारे पास टू डायरेक्शंस में जब फ्लो करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो ऐसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स मोड, वेयर द डेटा कैन फ्लो इन टू डायरेक्शंस। नाउ हेयर अ डिवाइस एट वन टाइम कैन ओनली सेंड डेटा एंड अदर एंड कैन ओनली रिसीव डेटा। दिस टाइप इन्फॉर्मेशन, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या होता है कि एक तरफ डिवाइस एक वक्त में से डेटा को सेंड करती है या फिर रिसीव कर सकती है, मैं दोनों काम नहीं कर सकती। अगर लेट सपोज ये हमारे पास नीचे वर्कस्टेशन एग्जांपल में देख लें, अब ये डिवाइस सिर्फ डेटा को सेंड कर देगी एक वक्त में और ये दूसरे वक्त में सिर्फ रिसीव करेगी। अगर लेट सपोज ये सेंडर और ये रिसीवर है तो ये एक वक्त में सेंडर भी होगा और दूसरे वक्त रिसीवर, एट ए टाइम ये ना सेंड या रिसीव कर सकते, बट एक वक्त में सेंड करेगी और फिर एक वक्त में या एक सेंड करेगी या रिसीव करेगी। तो ऐसी ऐसी फ्लो ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा कि जिसमें डेटा हमारे पास टू डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, जिसमें एक वक्त में सेंड कर सकता है और एक वक्त में या रिसीव करते हैं, तो ऐसे ट्रांसमिशन हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स मोड। एग्जांपल दे रहे हैं द इंटरनेट ब्राउजर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। व्हेन वी इशू अ रिक्वेस्ट टू डाउनलोड अ वेब डॉक्यूमेंट देन द डॉक्यूमेंट इज डाउनलोडेड एंड डिस्प्ले एंड डिस्प्लेड बिफोर वी इशूज अनदर रिक्वेस्ट। लेट्स सपोज इंटरनेट की एग्जाम्पल हमको दे रहे हैं ब्राउजिंग की। अगर आप इंटरनेट पर कोई ब्राउज करते हैं, लेट्स सपोज आप कोई ब्राउज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना चाहते हैं, लेट्स सपोज गूगल को आप करते हैं, तब लिखते हैं www.google.com। जैसे लेकर आप इंटर करते हैं तो कैसे, इससे क्या होता है, हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को कि वो हमें इन्फॉर्मेशन दे। एक एक जब फर्स्ट टाइम हम जब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ये वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी, तो वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, तो इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ क्या होता है, हमारे पास वो जो गूगल का पेज है वो डाउनलोड होता है और फिर हमें वो डिस्प्ले नजर आता है। वन एक या एक वक्त में यह सेंड होगा या रिसीव होगा, एट ए टाइम दोनों काम नहीं कर सकते, सेंड रिसीव दोनों इकट्ठे नहीं होते, सेम टाइम नजर नहीं होता। ऐसे अगर आप डेली लाइफ में अगर आप अपने सिस्टम को देखते हैं तो हमारे सिस्टम में यहाँ पर नीचे अभी तो देखें ऐसा नहीं, यहाँ पर जो तो अब ये वाईफाई का नजर आ रहा है, ये सिंबल नजर आता है। पहले वैसे यहाँ पर दो ऐसे ट्वी टाइप यहाँ पर दो स्क्रीन होती थी तो जिसमें सेंड और रिसीव लिखा हुआ आता था, पहले जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें, तो उनमें कैसा कि हमें नजर आता कि ये डेटा सेंड और ये रिसीव हो रहे, तो बाद दोनों कटे, तो यहाँ एक वक्त में ये डेटा सेंड होते हैं या रिसीव होते हैं। तो ऐसी जो हमारे पास ट्रांसमिशन है, यहाँ पर डेटा एक बस एक वक्त में सेंड होता है, दूसरी टाइम रिसीव होते हैं, दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स मोड।
अच्छा जी, थर्ड हमारे पास जो टाइप है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या है कि इन फुल डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन सिमल्टेनियसली, दैट इज एट द सेम टाइम ऑन द सेम चैनल। अब ऐसी ट्रांसमिशन जहाँ पर हमारे पास एक ऐसा ट्रांसमिशन है जहाँ पर एक मीडियम में हमारे पास जो सेंडर है एक डिवाइस है वो एट द सेम टाइम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी जो ट्रांसमिशन या ऐसी कम्युनिकेशन हमारे पास कहती है, दिस इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स मोड। इट इज़ द फास्टेस्ट डायरेक्शन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारे पास जो है सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है फुल डुप्लेक्स मोड, क्योंकि इसमें एक ही डिवाइस में एक वक्त में आप डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल ऑफ दिस मोड इज कन्वर्सेशन ऑफ द पर्सन थ्रू टेलीफोन। जैसे हम मोबाइल में बात करें, टेलीफोन में बात करते हैं, तो एट द सेम टाइम हम बात भी कर सकते हैं, हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं मतलब बोल भी सकते हैं, और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं मतलब सुन भी सकते हैं। एट द सेम टाइम हम सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड भी करें और इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी करें एट द सेम टाइम एक ही डिवाइस से। तो ऐसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स मोड। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज सिमिलर टू टू वे ट्रैफिक ऑन यूनिवर्सिटी रोड। इसकी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे आप लेट सपोज किसी एक रोड पर जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी रोड है, यहाँ पर एक ही रोड पर दोनों तरफ में ट्रैफिक आ रही है, दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, ऐसी ट्रांसमिशन का बोलते हैं दिस कॉल फुल डुप्लेक्स मोड। ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक तरफ एक डिवाइस, दूसरी तरफ दूसरी डिवाइस है, वर्कस्टेशन है, और एक ही पाथ पर दोनों तरफ एट सेम टाइम डेटा ट्रेवल कर रहे हैं। ये सेंड इस यहाँ पर सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है, इधर भी सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है। ये ऐसी ट्रांसमिशन हमारे पास कहते हैं दिस इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स मोड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो सको आपको डेटा ट्रांसमिशन मोड से रिलेटेड, आप मुझसे कर सकते हैं। ये जो टॉपिक आपके पोर्टल पर मैंने अपलोड कर दिया है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।